संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी से त्रस्त है। हर कोई बढ़ते संक्रमण के दुष्प्रभावों से प्रभावित है। संक्रमित व्यक्ति दर दर भटक रहे हैं। वहीं संक्रमण का अचूक इलाज नियमित योग आयुर्वेद स्वास्थ्य स्वच्छ जीवन आहार शैली में ही है। रतलाम मध्य प्रदेश के श्री दिलीप सिंह पवार जो 58 दिनों तक कोविड-19 संक्रमण से जूझते रहे, काफी इलाज करवाने के बाद योग आयुर्वेद पतंजलि कोरोनिल कीट का नियमित सेवन कर आज पूर्ण रूप से अपने आप को स्वस्थ महसूस कर परिवार संग सुरक्षित संरक्षित जीवन यापन कर रहे हैं। डॉक्टर भी आश्चर्यचकित हैं। श्री पवार ने इसका पूरा श्रेय बाबा रामदेव जी के योग आयुर्वेद स्वदेशी पर्यावरण भारतीय संस्कृति सभ्यता को दिया। हर व्यक्ति विशेष इससे जुड़कर स्वास्थ्य भारत समृद्ध भारत के निर्माण करे। रतलाम से विशाल कुमार वर्मा की रिपोर्ट। दिलीप सिंह पवार, मैं जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि मैं इस गंभीर बीमारी से निजात पाई है। मैं बहुत लंबे समय तक मैं इसमें रहा हूँ, कोरोना में 58 दिन तक, पर मैं इसीलिए बचा हूँ कि मैंने आयुर्वेद अपनाया और मैं कंटिन्यूसली इसके साथ साथ मैं दूसरे ट्रीटमेंट साथ ये लेता रहा। कोरोनिल, दो गोली कोरोनिल, दो श्वासारी, 3 बार दिन में, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ और मैं इससे उभर गया। और डॉक्टर्स को तो होप्स भी नहीं थी कि इतने लंबे समय तक, और वो तो यही बार बार ये पूछ रहे थे कि आपके ये तो नहीं हो रहा, आपके सांस लेने में तकलीफ तो नहीं हो रही, इतने लंबे समय में तो हो जाता है। और मैं आई एम कम्प्लीटली फिट, और मैं इसका श्रेय आयुर्वेद को ही दूंगा, और इसी वजह से आज बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और दूसरे लोगों को भी अपनाना चाहिए, पूरा विश्वास करना चाहिए कि जो आदमी इससे गुजरा है वो कह रहा है वो बात सही है। तो आपने पूर्ण रूप से योग आयुर्वेद स्वदेशी प्राणायाम को अपनाया? मैं योग प्राणायाम बराबर करता रहा और नियम से करता रहा, उसके साथ में स्टीम भी लेता रहा, और उसी वजह से मैं फिट हूँ आज बिल्कुल। मुझे लगता भी नहीं है श्वास लेने में कोई तकलीफ है या मेरी एक्टिविटी में कोई तकलीफ है। आज भी अगर मुझे कोई कहे कि दौड़ लगा दो, मैं दौड़ लगा दूँ, 10-20 किलोमीटर पैदल चल लूँ, पर उसके बाद का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, और ये इसी वजह से नहीं है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।